आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ स्वादिष्ट तहरी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 1.5 गिलास चावल को साइड में भिगो के रख दिया है, 2 कप फ्रेश मटर ली है और 5 छोटे साइज के आलू लिए मैंने। प्रेशर कुकर को मैंने चढ़ा दिया है, ये अच्छा गर्म हो गया है। अब इसी में 1 टेबल स्पून सरसों तेल ऐड कर देंगे। सरसों तेल देखिए हमारा गर्म हो रहा है, इसी तरह साइड में आ जाएंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक को ऐड करेंगे। इसका घोल तैयार कर लिया है मैंने। अब कुछ गर्म मसाले लिए हैं, थोड़ा सा काली मिर्च, 2-3 लौंग, 3 दालचीनी, 2 तेज़पत्ते, 2 हरी इलायची, 1 चम्मच जीरा वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। कि हमारा मसाला अच्छा फ्राई हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको नहीं भी डालें क्योंकि ये ऑप्शनल है। अब इसी समय जो मैंने पेस्ट बनाया है घोल वो ऐड कर देंगे मसाले के अंदर। अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, 2 से 3 मिनट इसको फुल फ्लेम पे रखेंगे। फिर देखिए मैंने जो कटोरी में थोड़ा सा मसाला लगा था उसमें पानी थोड़ा डाल के ऐड कर दिया है ताकि हमारा मसाला वेस्ट ना हो। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे 15 से 20 मिनट तक। सर्दी के सीज़न में तहरी बहुत ही अच्छी लगती है, गर्मा गर्म तहरी। इसी में देखिए मैंने 5 हरी मिर्च को ऐड कर दिया है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो बढ़ा सकते हैं या कट करके हरी मिर्च को ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से भून लिया है मैंने। देखिए 5 मिनट हो गया है भूनते हुए। इसको खूब अच्छे से भूनना है। देखिए अब इसको मैंने 15 मिनट तक भून लिया है, बहुत अच्छा भुना गया है ये। अब देखिए मैंने इसमें 2 कप मैंने जो फ्रेश मटर ली थी वो ऐड कर दिया है। जो चाय वाला कप होता है उसी की मेजर से 2 कप मटर मैंने ली थी वो ऐड कर दिया है फ्रेश मटर। इसी में थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ा सा सोया पत्ती को भी ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे 5 से 10 मिनट तक। देखिए मैंने इसको अच्छे से 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। देखिए हमारा भी मसाला अच्छा भुना चुका है। अब इसी समय इसमें 5 छोटे आलू जो मैंने लिए थे वो ऐड कर देंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट तक इसको भी भून लेंगे आलू को भी डाल के। देखिए 4 से 5 मिनट मैंने आलू को भी अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें 1/2 ग्लास मैंने पानी ऐड किया है और इसी का लीड लगा के 1 प्रेशर आने तक इसकी सीटी लगा देंगे ताकि हमारे आलू और मटर दोनों अच्छे से गल जाएं। मैंने इसका एक प्रेशर लगा दिया है। उसके बाद मैंने 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको रखा है। वैसे भी गल जाएगा चावल के साथ, लेकिन उससे अच्छा रहेगा अगर आप पहले ही गला लें इसको, इससे और अच्छा गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा हमारा आलू। इसका प्रेशर जब आउट हो जाएगा तब इसको ओपन करेंगे।
देखिए मैंने एक प्रेशर आ गया था, फिर मैंने 10 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकाया है, और फिर जब थोड़ा हल्का ठंडा होगा तब इसको खोला है। देखिए अच्छा आलू हमारा गल गया है, मसाले भी बहुत अच्छे से भुना गए हैं। अब इसी समय इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। 1.5 गिलास चावल मैंने लिया है साइड में, आधा घंटा भिगो के रखा है इसको। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छा बॉईल आने देंगे फुल फ्लेम पे। देखिए अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब इसी में मैंने जो चावल लिया था उसको छान के अच्छे तरीके से, पानी उसमें ज़रा सा भी ना रहे, वो ऐड कर दिया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढक्कन सिर्फ ढक देंगे, बंद नहीं करेंगे, इसको अच्छा सा बॉईल आने देंगे। एक तली तक पानी रहे तभी हमको लीड लगाना है। जब एक तली तक पानी बचा रहेगा तभी, थोड़ा सा पानी मतलब। देखिए अब इसका लीड लगा दिया, एक तली पे पानी है। अब इसको 2 प्रेशर आने तक फिर 5 मिनट लो फ्लेम पे रख देंगे। देखिए मैंने इसका 2 प्रेशर आया है, 5 मिनट लो फ्लेम पे रखा है, फिर मैंने बंद किया है। जब हल्का ठंडा होगा तब इसको ओपन किया। देखिए हमारी तहरी बहुत अच्छी स्वादिष्ट तहरी तैयार है, बहुत ही अच्छी बनी है। इसको पहले चला लेंगे अच्छे से, इसको हल्के हाथों से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी तहरी तैयार हो चुकी है, स्वादिष्ट तहरी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए साइड में इसका तड़का लगा लेंगे। फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया है, इसी में 2 बड़े चम्मच देसी घी को ऐड किया है मैंने। तड़का लगाने से तहरी का टेस्ट दुगना हो जाता है। इसको ज़रूर लगाइए आप, आपको खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। इसको अच्छा गर्म हो जाने देंगे। फिर इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाल के फ्राई कर लिया है। देखिए स्वादिष्ट तहरी हमारी तैयार है, तड़का लगाएं और खाएं, बहुत ही अच्छी बनी है स्वादिष्ट तहरी। इस तरीके से तड़का लगा के खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है और टेस्ट इसका बढ़ जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।